उसने अपने कानों पर हाथ रख लो। मैंने कहा अपने अपने कानों पर हाथ रख लो, मैं आपके कानों के और सिर के रोगों से आपको फ्री होते हुए देखता हूं। रिसीव करो और आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। सिस्टर बता रहे हैं कि काफी दिन हो गए इनका पूरा फेस और इनका सिर ऐसे सुन रहता था, और जब बता रहे जब परमेश्वर के दास के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड्स आया कि अपने कानों पर हाथ रखे, और जिनके भी सिर की प्रॉब्लम और कानों की प्रॉब्लम है परमेश्वर ने आज हील करने वाले। जब बता रहे उससे समय परमेश्वर की ग्रेस निर्घोष हुआ, जब भी बता रहे कि बिल्कुल अभी कोई भी सुन पान नहीं है। क्या 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 उनको माइक दो, सुन मतलब पापा जी जय मसीह दी। पापा जी एक हफ्ता हो गया मेरा सारा इधरला सुन नहीं रहंदा है, ते सिर भी बड़ा दर्द करदा सी। मतलब ये फेस एक साइड पूरी सुन रहती थी? हां जी इथो तक पूरी यहां तक सुन रहती, और सिर भी क्या रहता था? हां जी सिर भी अद्धा सुन रहता था, मतलब पता नहीं लगता था। हां जी जैसे किसी का मतलब डेड हो जाता तो उसे कुछ ऐसे हम हां जी ऐसे चूट है ना, चूटी भी ऐसे बोलते हैं ना, वो ऐसे करते हैं तो वो कुछ नहीं होता। हाँ जी सुनता भी नहीं मेनू इधरली कान दी साइड थाने। अब कैसे लग रहा है? हाँ जी अब हुन ठीक है। कौन सा कान था? आ वाला। आप पूरी तरह सुन रहे हैं? हाँ जी। जिसमें नहीं सुनता था कौन सा वो कान था? आ वाला कान सी। ये वाला कान था ना? हाँ जी। अब उस कान में आप ऐसे उंगली डालो अच्छी तरह से, हाँ जी पापा जी शरबजीत तारीफ कर दो खुदावंद के नाम की। हम जाते ने तूफान जो तो यीशु बोलता, हम जाते ने तूफान जो तो यीशु बोलता, हम जाते ने तूफान जो तो यीशु बोलता।